क्या ये जगह घूमने का सपना तुम्हारी बकेट लिस्ट में है? अरे भाई, ये वो जगह है जहाँ एक बार तो तुमको जरूर जाना चाहिए। और हाँ, 5 साल बाद नहीं, अभी का अभी। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में यहाँ पे टूरिज्म में इतने चेंजेस होने वाले हैं कि तुम्हें वर्जिन लोग तो देखने को मिल जाएंगे, पर इस जगह की वर्जिन ब्यूटी देखने को दोबारा नहीं मिलेगी। जो हम अभी देख रहे हैं, मतलब ये वो मौका है जब तुम्हें तुरंत बैग पैक कर लेना चाहिए, नहीं तो तुम लोग सिर्फ सोशल मीडिया पे ही आए बढ़ते रह जाओगे। सुबह के बज रहे हैं 2:30 और बड़ी मुश्किल से नींद खुली। और घूमने जाना है तो नींद जल्दी खुल जाती है, बट अगर कोई काम होता है तो घोड़े बेच के सोते होते अब तक हम लोग। खैर कोई बात नहीं, हॉबी के लिए थोड़ा सा कष्ट सह लेंगे। ऑल सेट, पैकिंग डन। और इस बार हमारा रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहा, हम 1 घंटे में रेडी हो गए सब कुछ करके, क्योंकि फ्लाइट भी जल्दी है और कैब भी बहुत वेट नहीं करेगी, बाहर खड़ा होगा शायद, वो 10 मिनट वेट करेगा, निकल जाएगा। ओपन कर देना यार। चलो भाई, ऑल सेट एंड डन। ऑलराइट, अभी हम लोग हैं दिल्ली एयरपोर्ट पे और यहाँ से निकलेंगे श्री विजयपुरम, इंडियाज मोस्ट ड्रीम्ड ट्रैवल लोकेशन। और नाम थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, बट अजीब है नहीं। और हम यहाँ पे पहले ठेला ले लें, अपना लगेज का ठेला। असली भसड़ अभी स्टार्ट होते हुए, मैं अब नेक्स्ट जो 2 घंटे हैं ना वो बहुत भसड़ वाले हैं। नहीं, ये चेक इन करना, ये टिकट देना, दिमाग खराब हो जाता है। चेक इन हमारी हो गई है, बट 2 सामान हमारा जो है रख लिया गया है, सनस्क्रीन और पैरासूट ऑयल। यार जान दो, ये जो फ्लाइट पकड़ने का 2 घंटा जो होता है इनिशियल, वो काफ़ी जो है मतलब अनोइंग होता है, बट वो 2 घंटे जैसे ही कंप्लीट होते हैं, आप जब अंदर होते हो, दैट्स व्हेन एक्साइटमेंट किक्स इन। लोग जो है ना मतलब एकदम से डबल मेक श्योर करके जाते हैं कि एकदम रिलैक्सिंग जर्नी हो। नहीं भाई, जॉब में जैसे जिस तरह हाल है ना, वो इस तरह की ही ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। क्या हाल है? नहीं अच्छा है। आवर जर्नी बिगिंस नाउ। अब बस 5 घंटे का वेट है और फिर उसके बाद धमाका। अगर मौसम अच्छा रहा तो ट्रेलर भी दिखाएंगे विंडो से, बट नीचे का व्यू ब्लॉक हो जाएगा। एक्सपेक्टेड है। हाँ, हम लोग जा रहे हैं तो थंडर स्टॉर्म तो एक्सपेक्टेड रहेगा ही। अब आते हैं मेरी लंबे समय से अधूरी पड़ी इस जबरदस्त यात्रा पे। ये वही सपना था जिसका मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था। व्हाइट सैंड, ब्लू वाटर एंड अनटच्ड सी, और ऊपर से ये बेमिसाल नज़ारे जो आपकी ज़िंदगी की सारी टेंशन को ऐसे गायब कर दें जैसे आपकी जेब से छुट्टे पैसे। और सबसे मज़ेदार बात ये कि ये जगह पूरी तरीके से कॉमर्शलाइज्ड नहीं हुई है, मतलब बिना भीड़ भाड़ के असली स्वर्ग का मजा। अब बात आती है मेरे स्कूबा एंड स्नॉकलिंग के ड्रीम की,
भाई ये तो मैं हमेशा से करना चाहता था और यहाँ इन दोनों का अनुभव इंडिया में सबसे बेस्ट है। और हाँ, ये सारी चीज़ें लगभग फ्री हैं, सिर्फ स्कूबा के बाद आपका इंस्ट्रक्टर सही सलामत ऊपर आएगा, बस एक छोटी सी शर्त है। तो सोच लो यार, फ्री में मज़े लेने हैं या फिर ऊपर भी आना है, या वहीं मछलियों के साथ नीचे पार्टी मनानी है। बस ये ध्यान रखना, स्कूबा करके अगर इंस्ट्रक्टर ऊपर आया तो तुम्हें भी आना है, वरना भाई एक्वामैन बनने का सपना तो पूरा ही समझो। फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं और व्यू रास्ते में जब हम लोग लैंड कर रहे थे तो बहुत ही अच्छा था। हमारे दो लगेज आ चुके हैं, एक हमने कलेक्ट कर लिया, एक पेंडिंग है और वो लेके हम यहाँ से निकलेंगे आगे की तरफ। तो अभी हम हैं श्री विजयपुरम एयरपोर्ट, आका पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट, जो अभी रिसेंटली रिनेम हो चुका है। और इसके पहले यहाँ पे जो आइलैंड्स थे कुछ, उनका भी नाम रिनेम हुआ था, जैसे रॉस का नेताजी सुभाष चंद्र बोस और हैवलॉक का स्वराज द्वीप। तो मोदी जी ने अच्छा काम किया है। वाह मोदी जी, वाह वाह। और हम यहाँ से अभी निकलेंगे हैवलॉक, और हार्डो जेटी से हमें हैवलॉक की फेरी मिलेगी। लगभग 4 या 5 साल से मैं वेट कर रहा था, फाइनली टाइम मिला और हम लोग यहाँ पोर्ट ब्लेयर में, हमारी वन ऑफ दी ड्रीम ट्रिप है ये, और इसके बाद हमारी प्रोबेबली होगी लद्दाख, बट पहले इसे कंप्लीट करेंगे अंडमान एंड निकोबार्स की। फेरी के अंदर हैं और यहाँ से 1.5 घंटे का भी रास्ता है हैवलॉक का, और हम लोग लगभग 3:30-4 के आसपास पहुँचेंगे, और पीछे फेरी कुछ ऐसे दिखती है। इस तरह की फेरी का एक्सपीरियंस जो है लाइफ में मुझे 2 ही बार मिला है, दूसरा आज है ऑलमोस्ट 8 से 10 साल के बाद, और पहला था केरला में। केरला में भी इसी तरह का सिस्टम है ट्रांसपोर्ट का विद इन द सिटी, और ये एक तरह से इंटर आइलैंड है, वहाँ पे विद इन द सिटी था। तैयारी होते हुए फेरी को यहाँ से विदा करने की, सारे सिस्टम और जितने भी ये होते हैं स्टॉपर वगैरह हटा लिए गए हैं। बाय बाय। देखो यार, इस जगह की खूबसूरती तो अपनी जगह है, लेकिन इसका इतिहास भी ऐसा है कि कहोगे कि वाह क्या स्टोरी है। प्री इंडिपेंडेंस टाइम में यहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स को अंग्रेज जेल भेजते थे, जैसे आजकल दोस्तों को सीन मारने पे और रिप्लाई ना करने पे व्हाट्सएप ग्रुप से बाहर कर दिया जाता है, उस टाइम यहाँ पे जेल जाना मतलब वैसा ही था, जैसा आपको आज बिना इंटरनेट के ऐसी जगह भेज दिया जाए कि जहाँ नेटफ्लिक्स इंस्टा सब बैन हो, मतलब टॉर्चर का डबल डोज। और सोचो, यहाँ के जेल में रहना वैसा ही था जैसा 24/7 लॉकडाउन में रहना, लेकिन बिना जूम मीटिंग नेटफ्लिक्स एंड चिल के, यानी बस अकेले दीवारें घूरना। हाँ, ये फ्रीडम फाइटर्स हमारे असली हीरो थे, जिन्होंने इतना टॉर्चर सह के भी हमें आज़ादी दिलाई। भाई हैवलॉक आइलैंड, टोटल 8 घंटे हमको सफ़र में लगे यहाँ तक आने के लिए, और हमारी ट्रिप हैवलॉक आइलैंड से स्टार्ट होगी, फिर नील, पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर में तो गर्मी काफ़ी थी, बट यहाँ पे हवा चल रही है तो काफ़ी आराम है यहाँ पे, और टेम्परेचर अभी ठीक है,
हो सकता है 3:30 हो रहा हो, शाम का टाइम है, टेम्परेचर गिरता हो, ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट अभी टेम्परेचर अच्छा है और ये ब्लू कलर वाटर का काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और ये है हैवलॉक आइलैंड, और मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था इंफ्रा यहाँ का थोड़ा अच्छा नहीं होगा, काफ़ी अच्छा है। पोर्ट ब्लेयर भी देखा अभी तक, हैवलॉक भी अच्छा लगा मुझे। अला हीरो, ये हाइब्रिड है। आ गई अपनी जगह, बेस्ट मेरा कॉम्बो है, बीच रिजॉर्ट टपरी लाइफ सेट, और कुछ नहीं चाहिए, ज़्यादा भूख नहीं है। यो, ये अपना है होटल। रूम्स सही है, मतलब मुझे लग रहा था कैसा ना हो कि गड़बड़ निकले, मेंटेन्ड है। भाई साहब बाहर खतरनाक लोकेशन है इस जगह की, वो एकदम सीधे रहा बीच, बीच जाके देखें पानी कितना एक्सेसिबल है, पत्थर वत्थर तो नहीं है, लोग पानी में तो घूम रहे हैं यार, फिर तो सही है। मतलब मैं तो ये सोच रहा था ना कि ऐसा ना हो कि पत्थर वत्थर हो और प्रॉपर्टी यहाँ पे उन्होंने बना दी और बोल लियो कि बीच साइड प्रॉपर्टी, बीच दिख रहा है बस जा नहीं सकते, यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जहाँ पे ये हाल है, बट यहाँ पे नहीं है, लोग अंदर बीच के गए हुए हैं। और हवा भाई, आ वो देखो है ना, स्विंग स्विंग भी यहाँ लग रखी है तुम्हें, अब यहाँ पे हम स्विंग कराएंगे और फिर यहाँ से नील आइलैंड भेज देंगे, क्या मज़ा आ रहा है नहीं। हाई वाइट सैंड, अब ये सैंड देख के जो एक फील आ रही होगी ना ठंड वाली, वैसे ही ठंड हम फील कर रहे हैं यहाँ पे, क्या बात है क्या बात है। और पीछे है सी, ओ ये सही है, बस और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे ये करते रहेंगे। दिस इज द लाइफ आई वॉन्ट टू लिव, जस्ट 100% चिलनेस, 0% वरी। भाई साहब देखो ऐसे मोती निकलेगा, मोती नहीं अभी बताओ, ओ मोती है, लो बेटा मोती। तुम लोग सही इंसान नहीं लग रहे हो बेटा, देख रहे हो डॉगवेंद्र, कोई कोई कीड़े चलेंगे ऐसे डिजाइन बनाएंगे। यो कीड़े चलने की क्या है, किसी ने दो भी चले यार, तुम चल सकती हो, कीड़े नहीं चल सकते, कीड़ों को क्या फन नहीं चाहिए, केवल तुम ही हो जिसको फन चाहिए। अरे नहीं यार। वाह, इसी चीज़ का तो यार यहाँ पे मैं इंतजार कर रहा था, मैं जब अंडमान और निकोबार के बारे में सोचता था तो मुझे ये बीच पे ये पेड़ की टहनियाँ समुद्र को छूते हुए और रेत के काफ़ी करीब से जाते हुए इमेजिन होती थी, और यही मेरे सपने में ये सीन आता था, और पहला हमने जो सीन देखा वो यही है। तो मतलब कहते हैं ना कि सपने साकार हो गए, साकार हो गए। पानी छू लिया, वाह जय श्री राम, फक प्रभु ने कहा भक्त जब तक दोनों पैर पानी में ना हो वत्स तुम्हें आशीर्वाद नहीं मिलेगा। सागर किनारे, अब देखो यार जाते हुए हम लोग अपनी स्कूटी की तलाश में, बट उससे पहले थोड़ा चाय और नाश्ता, क्योंकि थक गए हैं, चाय चाहिए और खाना भी चाहिए, उसके बाद स्कूटी चाहिए होगी। 4 दिनों में जो हम टपाई करेंगे वो अपनी स्कूटी से करेंगे, वाहिनी से करेंगे, है ना, लव वाहिनी दुख दुख पेट्रोल यंत्रम, है ना। ये ऊपर है नारियल के पेड़, और प्यास लगेगी तो नारियल इधर से लिया जाएगा, अगर ऊपर उतना हम चढ़ पाए तो। देखो यार एक और एडवांटेज हमको मिला लोकेशन का,
बाइक रेंटल भी जो है जस्ट बगल में है, मतलब वॉकेबल नहीं आप पिक सकते हो, स्लीपेबल है, सोते सोते आप ले लो, है ना। और जस्ट इसके आगे स्लीपेबल डिस्टेंस पे रेस्टोरेंट है। ये क्या है? हाँ जिसकी इसकी तो हम चाय पीते हैं, ब्लू टी। नाइस। आओ स्कूटी का भी काम डन, पेट्रोल भी डन, सब फटाफट हो रहा है अपना काम। ये जो लोकेशन है ना मुझे बहुत सही लगी, और इस तरह की जो लोकेशन मुझे पहली बार दिखी थी वो गोवा दिखी थी। क्यों? क्योंकि गोवा में क्या है ना कि गांव जैसा माहौल है, बीचेस, गांव और होटल्स, एक लेड बैक फील आ रही थी गोवा में, तो मुझे काफ़ी सही लगा वो, और वही फील यहाँ पर आ रही है हैवलॉक में। थोड़ा रात में बीच का भी नज़ारा देख लिया जाएगा, वहाँ पे क्या है, रात में हलचल वगैरह है या नहीं है। तो यार यहाँ पे केवल नेचुरल ब्यूटी नहीं, यहाँ की हिस्ट्री भी तुम्हें झकझोर देगी। कहने का मतलब है ये वो डेस्टिनेशन है जहाँ रोमांच, मस्ती और फ्रीडम फाइटर्स की कहानी सब कुछ मिलेगी। जल्दी से टिकट बुक कर लो, वरना 5 साल बाद सोचोगे यार काश तब चला गया होता। बोट यहाँ पे रुकी हुई, और कल का वैसे प्लान हमारा स्कूबा का था, बट वो कैंसिल हो सकता है क्योंकि एनर्जी वाइज वी आर नॉट श्योर। डिनर करके देखेंगे एनर्जी कितनी है, क्योंकि स्कूबा जो है प्रॉपरली करना है, जल्दीबाजी में नहीं करना है। ये है भाई इनका रेस्टोरेंट, करी लीफ करके फिश वो है ना, सी फूड तो खाने आए हैं। इतनी हार्ड क्यों है, मैं ये थोड़ा थोड़ा डाउट में हूँ यार, इतनी हार्ड क्यों है ये? ये सर ऐसे ही यहाँ मछली, ये हार्ड रहती है, ये थोड़ा सा हार्ड होता है, इसका नाम कुकारी है। कुकारी है, और ये मतलब ठंडी हुई है, बहुत गर्म तो नहीं लग रही है, तो फ्रेश है ना ये? एकदम फ्रेश भाई। कुकारी के चक्कर में ना हमारी कुकारी ना निकल जाए। कच्ची तो नहीं है यार, इसमें टाइम तो नहीं लगता यार। भाई डिनर के मामले में तो भाई करी लीफ देख रहे, मतलब हक दिया उसने खाने में। तो खैर कोई बात नहीं, डिनर अभी जो है मज़ा नहीं आया, कल का भी हम सोचेंगे कि स्कूबा करना है या नहीं करना है। यार यहाँ की पॉपुलेशन लगभग 6,000 की है, और यहाँ के लोगों की लाइफ मेनलैंडर्स जितनी आसान नहीं, और यहाँ के लोगों की लाइफ पे यहाँ के टूरिज़्म का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। इसलिए मैं अपनी इस अंडमान सीरीज के ज़रिए इन लोगों को सपोर्ट करना चाहता हूँ, ताकि इंडिया के हर कोने में लोगों को ये पता चल सके कि हमारा इंडिया कितना खूबसूरत है, और हम लोकल टूरिज़्म को प्रमोट करके अपने देश की इकॉनमी को सपोर्ट करें, ना कि किसी और देश की। और लोग इतनी सुंदर जगह इंडिया में होने के बावजूद मलेशिया, मालदीव्स और दूसरी कंट्री घूमने जाते हैं, ये सोचने वाली बात है। कोई नहीं यार, जब तक तुम अपनी टिकट बुक कर रहे हो तब तक मैं तुम्हें अपनी इस सीरीज़ के ज़रिए स्कूबा, स्नॉर्कलिंग, ट्रैकिंग और अंडमान की इस खूबसूरती से वाकिफ कराता हूँ, ताकि जब तुम यहाँ आओ तो कुछ भी मिस ना कर।